गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही फेमस है और ब्यूटी पार्लर के लिए बहुत जरूरी है। तो सो गाइस, आज का जो मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, ये मेरा सेशन है और सेशन वन है, ये कह सकते हैं कि आप ब्यूटी पार्लर कोर्स की फर्स्ट क्लास भी आप इसको कह सकते हो। सो गाइस, आज के इसमें टॉपिक ये है ब्यूटी पार्लर फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमारे पास सबसे पहले, आप जानते हो कि आप ब्यूटी पार्लर कोर्स करने जाते हैं तो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है थ्रेडिंग। यस गाइस, थ्रेडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बट क्या आपको पता है थ्रेडिंग से पहले हमें किन किन बातों को जरूरी जानना चाहिए? तो आज का टॉपिक इसी विषय पे होने वाला है और ये क्लास है ब्यूटी पार्लर क्लास फर्स्ट। इसमें हम आज समझेंगे कि हमारे जो बॉडी में हमारे फेस पे अनावश्यक बाल क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और गाइस, आपको इसकी नॉलेज होनी इसीलिए भी जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्किन पर जो बाल क्यों आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ये मेरी बॉडी पे बाल किस कारण की वजह से आ रहे हैं। तो ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि ये कारण क्या हो सकता है। हाथों की हथेली और पैरों के तलवों को छोड़कर पूरी बॉडी में हमारे हेयर्स होते हैं और वो उसका कारण क्या है, चलिए इस बारे में जानते हैं। तो इसके ना जो पांच, यस गाइस, इसके पांच कारण ये है। सबसे पहला कारण, जाति कारक। आप जान सकते हो कि काफी जगह पे आपने देखा होगा कि चाइना के जो लोग होते हैं उनकी बॉडी पे जो हेयर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनके जो जहाँ पे वो रह रहे हैं, जिस कास्ट के हैं वो, जिस जाति के हैं, वहां पर उनकी बॉडी में बाल नहीं होते हैं। इंडियन कल्चर को लेके और काफी सारे ऐसे कल्चर है जहां पर आपके बॉडी में हेयर्स बॉडी में पाए जाएंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, आपको हर बॉडी के हर पार्ट्स पे आपको बाल मिलेंगे, सिर्फ हथेली और पैरों के तलवों को छोड़कर। तो सबसे पहला कारण आपका ये हो सकता है कि आप किस एरिया से या फिर किस देश से बिलोंग करते हैं। आप चाइना से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके बाल बॉडी में नहीं होंगे। अगर आप इंडियन कल्चर में या फिर किसी और कल्चर में आप होते हैं तो वहां पर आपके बॉडी में जो है आपको अपनी बॉडी में बाल प्राप्त होंगे। तो यह कारण, पहला कारण हो सकता है। बात करें दूसरे कारण की, कि मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स पाए जाते हैं। यस गाइस, एक ये हार्मोन्स ये भी आपकी बॉडी में अनवांटेड हेयर्स होने का कारण हो सकता है, क्योंकि आपके आपने देखा होगा कि जो हमारी मेल जो लेडीज है, लेडीज के अंदर मेल एंड फीमेल्स दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं। और इसका कारण ये हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी में, जब आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी चिन की यहाँ पर, आपके अपर लिप पर और काफी ऐसे एरिया हैं जहां पर आपको जरूरत से ज्यादा हेयर्स आपको मिलते होंगे। तो जैसे कि आपने देखा कई लेडीज की जो होते हैं मूछे वगैरह, दाढ़ी वगैरह भी आई होती है, तो उसका मैं आपको कारण बता दूं कि उसका ये कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स बढ़ चुका है, जिसके कारण आपके हेयर्स में या बॉडी में बाल ज्यादा आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि अभी एक केस हुआ था, जो 10th क्लास की लड़की है उसने टॉप किया था और वो इस वजह से लोग उसको ट्रोल कर रहे थे कि उसके फेस पे आपके इतने ज्यादा बाल हैं। तो उसका कारण, वो उसको खुद को भी पता शायद ना हो, बट मैं आपको बता दूं कि उसकी भी बॉडी में यही प्रॉब्लम है कि उसके में बॉडी में मेल हार्मोन्स ज्यादा है, जिस वजह से उसको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो प्लीज प्लीज ऐसी बातों को इग्नोर करें, किसी को ट्रोल ना करें, आप उसकी योग्यता देखें। बाल तो बॉडी में कहीं भी और किसी भी कारण की वजह से हो सकते हैं। थर्ड कारण ये हो सकता है कि वंशागत, अगर आपकी फैमिली में किसी के हेयर पे या फेस पे ये प्रॉब्लम है पहले से ही, मतलब कह सकते हैं कि आपके माता पिता, दादा दादी जो है, अगर इनमें ये प्रॉब्लम होती है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके बॉडी या फेस पे बहुत अवांछित बाल हेयर हो सकते हैं। तो ये भी आपका एक कारण हो सकता है। तो गाइज, जो हमारा फोर्थ नंबर का जो हमारा कारण है वो है, बॉडी में एक ऐसी अवस्था होती है जिसको एनोक्राइन अवस्था कहते हैं। इसके कारण से भी हमारे फेस और बॉडी में अवांछित बाल हो सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि पांचवी नंबर की जो प्रॉब्लम है वो ये हो सकती है, वो खासकर लेडीज को फेस करनी पड़ती है, मोनोपोज की या रजनोवती की अवस्था, जो जिसकी वजह से भी अवांछित बाल आपके बॉडी और हेयर्स पे हो सकते हैं। मोनोपोज की प्रॉब्लम आपको सबको पता ही है कि अगर बॉडी में जब मोनोपोज की अवस्था चलती है तो हमारे जो हार्मोन्स है
इनबैलेंस्ड हो जाते हैं, जिसके कारण भी ये समस्या हो सकती है। खासकर की स्त्रियों में ये प्रॉब्लम सामान्यतः पाई जाती है। तो इस तरीके की ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो सकती है। तो ये ऐसे पांच कारण है जिसकी वजह से आपके फेस बॉडी पर बाल बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि आपकी बॉडी में अगर बालों की जो है क्वांटिटी ज्यादा है तो ये कारण हो सकते हैं, अगर कम है तो भी यही कारण हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। पर कई लोगों में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है कि बालों में गंजापन, फेस पे भी जो आपकी आईब्रोज वगैरह वो सारी हट जाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी होती है और आप ज्यादा से ज्यादा वक्त बाहर मतलब पोल्यूशन में आप बिताते हैं, तो भी आपके बालों को जो इस जो अवस्था का सामना करना पड़ सकता है, अवांछित बाल होने का या झड़ने का भी आप इसको फेस कर सकते हो, तो ये कारण हो सकते हैं। तो आज की क्लास में ये मेन पांच टॉपिक थे जो आपको पता होने चाहिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने से पहले, कि ये आपको ये जब बताया जाएगा तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि हमारी बॉडी पे बाल किस वजह से आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। तो ये कारण हो सकता है। अगर आपका क्लाइंट आपसे पूछता है तो आप उसको ये सलाह दे सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, और हाँ अपने ब्यूटी पार्लर के कोर्स में ये चैप्टर जरूर से जरूर ऐड करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे आने वाली है, इसमें मैं आपको आगे की जो क्लास के बारे में बताने वाली हूँ। तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसी से टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर 2 आएगी, और ये हमारा जो शामिल होगा ब्यूटी पार्लर कोर्स के अंदर, ब्यूटी पार्लर सीरीज के अंदर। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।